दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ब्रेड के कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। ब्रेड के कबाब बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें लेना है ब्रेड। ब्रेड को इस तरीके से आपको तोड़ करके डालना है छोटे छोटे पीस में। आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से पीस में तोड़ से के डालने से कबाब का जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। इस तरह से इसलिए मैं यहाँ पर तोड़ रही हूँ। सभी को तोड़ करके इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो इसे अच्छे से मैश कर लीजिए। पहले हम मैश करेंगे, फिर बाकी के जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है उसे ऐड करेंगे। नहीं तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देने के बाद ब्रेड जो है वो यहाँ पे अच्छे से मैश नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहले आप मैश कर लीजिए, फिर आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें डालना है वो आप ऐड कीजिए। तो ये देखिए काफ़ी हद तक ये मैश हो चुका है। तो अब इंग्रेडिएंट्स बाकी के हम ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे अच्छे से फिर से एक बार मिक्स करेंगे। तो अब हम सबसे पहले ऐड करेंगे एक चम्मच कॉर्नफ्लोर, एक चम्मच चावल का आटा। ये दोनों ही चीजें बाइंडिंग में काम आएंगे। दो स्मॉल साइज के उबले हुए आलू का कद्दूकस करके डाल देंगे इस तरीके से, ये देखिए, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएगा। एक और डालेंगे। कबाब का जो टेस्ट होता है काफी अच्छा होता है। जिस तरह से चिकन का कबाब होता है, बाकी के कबाब होते हैं, उसी तरीके से ब्रेड के कबाब होते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं खाने में। इस तरीके से आप इसे बना करके और फिर आप बर्गर वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टिक्की का भी काम करता है, सेम प्रोसेस से बनाया जाता है टिक्की भी। तो अब हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च आधा बारीक कटा हुआ, टमाटर आधा बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च दो से तीन या फिर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, प्याज आधा। अब हम मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में यहाँ पर हम डालेंगे गरम मसाला का पाउडर, हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, यहाँ पर एक चम्मच हल्दी का पाउडर और एक चम्मच गरम मसाला का पाउडर मैंने ऐड किया है, और आधा चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर मैंने ऐड किया है। क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी ऐड की है, इसलिए लाल मिर्च का पाउडर यहाँ पर मैंने कम डाला है। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम नमक डाल लेंगे, थोड़ा सा और डाल दे रही हूँ, एक चम्मच से थोड़ा सा कम इस्तेमाल किया है यहाँ पर मैंने। अब इसमें जो मेन इन्ग्रीडियंट्स हैं जो कि इसके टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं, वो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ, और वो है भुना हुआ धनिया और सौंफ। तो यहाँ पर भुना हुआ धनिया और सौंफ दोनों ही यहाँ पर हम ऐड करेंगे, लगभग आधा चम्मच। अब हम लास्ट में डाल दे रहे हैं जीरा, तो जीरा भी हम यहाँ पे आधा चम्मच डालेंगे। ये तीनों चीज़ों जो होती हैं टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है, तो इन तीनों चीज़ों को आप जरूर ऐड कीजिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अब यहाँ पर हम एक से डेढ़ चम्मच दही डाल देंगे और अब सभी चीज़ों को यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि हम इसे कबाब का शेप दे पाएँ। तो इस तरीके से सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब अगर हमें ज़रूरत पड़ा कि हम यहाँ पर पानी डालें तो हम पानी ऐड करेंगे, और नहीं तो अगर सारे मसाले इसी में मिक्स हो जाते हैं और ये कबाब का शेप ले लेगी अच्छे से, तो हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। हमने कॉर्नफ्लोर यहाँ पे ऐड इसलिए किया है ताकि जब हम इसके कबाब बनाएं तो वो कबाब तवे पे फैले नहीं। तो इसलिए कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा दोनों को यहाँ पे ऐड आप ज़रूर कीजिए। ये देखिए काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमें और पानी यहाँ पर डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो अब हम इसको कबाब का शेप देंगे, इसे थोड़ा सा मिक्स हम निकालेंगे। इससे हम इस तरीके से गोला करेंगे और फिर इस तरीके से हम इसको दबा देंगे। ये देखिए जिस तरीके से कबाब बनता है बिल्कुल वैसा ही शेप यहाँ पे आपको इसे दे देना है। जितना बड़ा या फिर छोटा आप कबाब बनाना चाहते हैं उतना बड़ा या फिर छोटा आप यहाँ पे इसको शेप दे दीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, कितना कलरफुल लग रहा है। इसका जो टेस्ट होता है बिल्कुल इसी तरीके का होता है जैसा ये दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल।
तो यहाँ पे इसको हम डाल देंगे। इसी तरीके से बाकी कबाब को भी बना करके हम यहाँ पे करेंगे रेडी। फिर से कर लेंगे, हल्का सा दबा देंगे और फिर इस तरीके से हम घुमा करके हल्का सा इसे बड़ा करेंगे। मोटा मोटा ही रखेंगे क्योंकि कबाब जो होता है थोड़ा सा मोटा मोटा ही रहता है, तो इसको ज़्यादा पतला करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से सारे कबाब को यहाँ पे आप बना करके रेडी कर लीजिए, फिर हम सभी कबाब को एक साथ ही फ्राई कर लेंगे। तो सेकने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, आप पैन या फिर तवा कोई भी चीज़ ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर पैन लिया है। अब हम इसमें तेल डालेंगे, तो तेल डाल रहे हैं, तेल को गर्म होने देंगे। तेल यहाँ पर हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें अपने कबाब को डालेंगे। तो यहाँ पर एक बार भी मैं तीन डाल रही हूँ, यहाँ पे तीन ही आएंगे। सबों को एक बार यहाँ पे हम पलट लेंगे। दूसरे साइड से इसे हम फ्राई होने देते हैं, नहीं तो इसमें कच्चापन रहेगा। अभी इस साइड से भी हम और फ्राई करेंगे। फिर से पलट लेते हैं। बार बार इसे पलटते हुए आपको अच्छे से क्रंची कर लेना है, ताकि ये कहीं से भी कच्चा नहीं रहे, क्योंकि कच्चा अगर रहेगा तो फिर कबाब का जो टेस्ट है बिल्कुल गड़बड़ लगेगा। तो आपको अच्छे से इसे फ्राई करना है बिल्कुल क्रंची होने तक। फिर से पलट लेंगे और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। इसी तरह का जो कबाब है हमें यहाँ पर बना करके रेडी करना है। तो तीनों कबाब को हम पलट देते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा जो कबाब है वो दोनों साइड से अब अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इन सबों को हम निकाल लेंगे और बाकी जो हमारे कबाब बचे हुए हैं उन सबों को भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो आप इसे चाय के साथ या फिर टोमेटो केचप के साथ या फिर हरी चटनी के साथ किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम इसे प्लेट में डालेंगे। और बाकी के हमारे जो कबाब है उन सबों को अब इसी तरीके से हम फ्राई करेंगे। लोगों को मेरी ये कबाब की रेसिपी पसंद आती है दोस्तों, तो इसे ज़रूर आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड बाय। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ।